हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th जो 100 मार्क्स इंग्लिश है रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया एक कॉम्पेरेटिव आर्टिकल है, तुलनात्मक लेख है, जिसके अंदर वेस्टर्न सभ्यता में बच्चे की जो परवरिश होती है और जो अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बच्चे की किस तरह से परवरिश होती है, इन दोनों का जो है कॉम्पेरेटिव जो है आर्टिकल लिखा गया है। मतलब कि इसके अंदर तुलना की गई है दोनों के बीच में। तो इसका ये चौथा भाग है। इससे पहले के तीन भाग हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको भी देखें। और पिछला जो चैप्टर है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर द आर्टिस्ट तक, इस सभी का जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा। तो प्लेलिस्ट में सारा का सारा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हर वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अ चाइल्ड इज बॉर्न का चौथा पार्ट। अमंग द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस, मतलब कि इस मामले में गर्भावस्था के जो पुरस्कार हैं, मतलब जो कोई महिला गर्भवती होती है भारतीय सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडियन कॉन्टिनेंट में, तो उसमें क्या क्या पुरस्कार उनको मिलता है। मतलब पुरस्कार के तौर पर ऐसा नहीं कि कोई शील्ड या मेडल, मतलब उनको क्या क्या जो है प्रिफ्रेंस दी जाती है। एज इन मैनी अदर, जैसा कि कई अन्य लोग यानी कि समूह में, इन दैट द वीमेन गेट टू गो होम टू विजिट हर मदर्स एंड सिस्टर, उसमें से महिलाओं को अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए घर जाना पड़ता है। ये भी एक रिवार्ड हुआ, मतलब ससुराल से अपनी बहन या माँ से मिलने के लिए जो है जब औरत लास्ट महीना रहता है तो जाती है। इन नॉस्टेलिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज़ क्लियरली टिंगल विद रोज, उल्लेख के उदासीनता के स्वर जो अस्पष्ट रूप से गुलाबों में छमछम है, मे बी शायद द प्रोडक्ट ऑफ, उत्पाद हो सकता है द कॉन्ट्रेस्ट विपरीतता का दैट दिस यंग वुमेन फाइंड इन इंग्लैंड, जो ये जवान महिला महसूस करती है इंग्लैंड में। मतलब कहने का ये हुआ कि इंग्लैंड जो है लेखक द्वारा भारतीय परंपरा के सकारात्मक जो पहलू है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पर इस महिला लेखिका यानी कि जो अमृत विल्सन है उसकी पैनी नज़र इस पर है। और उसने ये बताया है कि देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सोच है, उसे जो है घटिया सोच, एक जो है सो पुराने विचार वाला सोच, जिसके अंदर जो है लोगों पर क्रूरता की जाती है, शोषण की जाती है, इस तरह का सोच जो है, यानी वहाँ के लोग जो है सोचते हैं कि इस तरह की जो हमारी परम्परा है वो इसलिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन जब उसे आप गहराई में उतरिएगा, देखिए ऊपर से आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से लोगों की सोच जो होती है कुछ और होती है। जब गहराई में आते हैं, किसी धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, किसी कल्चर को पढ़ते हैं, किसी सभ्यता को देखने की कोशिश करते हैं नज़दीकी से, तब उसकी जो असलियत और जो सच्चाई है वो नज़र आती है। अनदर ऑफ द एशियन वुमेन हु फाउंडेड अ वॉइस इन अमृत विल्सन बुक, यानी दूसरी एशियाई महिला जिसने अमृत विल्सन की पुस्तक में, एक लेखिका है अमृत विल्सन, उनकी पुस्तक में जगह यानी कि मत पाया, मतलब कि उनकी किताब में ये जो कहानी आगे जो आप हमको बताएंगे डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन जो है अमृत विल्सन की बुक से ली गई है। गिव्स अ सिमिलरली रोजी पिक्चर्स ऑफ रेयरिंग अ चाइल्ड इन बांग्लादेश, यानी कि इसी तरह सिमिलर पिक्चर मतलब ये हो गया कि सेम उसी तरह का, जैसे पहला तीसरे पार्ट में हमने आपको एक जो है सो एग्जांपल दिया था शिथिल वुमेन का, उसी तरह से अमृत विल्सन के अंदर एक बांग्लादेश की जो महिला है उसमें जो बांग्लादेश के अंदर जो है बच्चे की जो परवरिश होती है उसके बारे में सेम इसी तरह की जो है एक पिक्चर गठी गई है। मतलब एक इसी तरह की सेम मिलती जुलती जो कहानी है कि रेयरिंग, रेयर करना मतलब किसी बच्चे के पालन पोषण करना, तो बांग्लादेश के अंदर जो बच्चे का पालन पोषण होता है वो किस तरह होता है उसका जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है किसके अंदर, अमृत विल्सन की जो बुक है उसके अंदर। तो देखिए क्या है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय अ होल फैमिली, यानी कि बांग्लादेश के अंदर ये व्यवस्था है कि 6 साल का या 5 साल का जो बच्चा हो, 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, तो लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल किया जाता है बाय द होल फैमिली, पूरे के पूरे जो परिवार है उसके द्वारा, यानी कि 5-6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे की देखभाल करे। दादा का भी काम होता है बाहर घुमाने ले जाना, दादी का काम होता है उसको बैठाकर खिलाना, उसको गोद में सुलाना, माँ का काम होता है उसको दूध पिलाना, उसी तरह जो बुआ होती है उसका काम होता है नहलाना धुलाना, जो बड़ी चाची होती है उसका भी काम होता है। ये सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको आगे मिल जाएगा।
ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर। यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ज्वाइंट फैमिली का है। ज्वाइंट फैमिली मतलब कि एक ऐसा परिवार जिसमें सभी लोग जो है एक साथ मिलकर जो है जीवन व्यतीत करते हैं, उसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो लुक्ड आफ्टर किए जाते हैं, मतलब देखभाल किए जाते हैं टुगेदर, एक साथ में, चाहे मेरा बच्चा हो, मेरे भाई का बच्चा हो, मेरी छोटे भाई का बच्चा हो, यानी जितना भी भाई है उस सब का बच्चा जो है एक साथ जो है देखभाल किया जाता है, सबकी जिम्मेदारी होती है। दे आर टेकन टू द पॉन्ड फॉर अ बाथ परहैप्स बाय अ डॉटर इन लॉ। मतलब जो सारे बच्चे होते हैं घर के, वो सारे के सारे बच्चे को पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब, तो उसे तालाब ले जाया जाता है बाथ करने के लिए, मतलब नहाने के लिए। शायद जो है उसकी डॉटर इन लॉ जो होती है, मतलब उस घर की जो बड़ी बहू होती है, उसके द्वारा उस सारे बच्चे को तालाब में नहाने के लिए लेकर जाया जाता है। एंड सी बाथ्स देम ऑल। और वो जो है बड़ी बहू वो क्या करती है, उस सभी को स्नान करती है। Then they all come in and sit down to it। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सारे के सारे जो है वहाँ से आते हैं और फिर एक जगह बैठकर जो है खाने के लिए बैठ जाते हैं। Perhaps the youngest, मतलब सबसे जो नई, जैसे मान ली मेरे चार भाई है तो उसकी तीसरे भाई की बहन बीवी या चौथे भाई की जो बीवी जो सबसे जो छोटी जो वाइफ होगी मेरे भाई की, वो क्या करती है, डॉटर इन लॉ मतलब जो बहू होती है, सबसे जो छोटी बहू होती है, वो कुक द मील, मतलब उसका जिम्मेदारी होता है कि खाना पकाना। बड़ी वाली का क्या काम है, बच्चे को नहाने के लेके लेके जाना, और जो छोटी वाली का काम क्या है, उसके लिए खाना पकाना, ठीक है। अनदर वीमेन फीड देम। और फिर तीसरी या दूसरी वाली जो होती है उसका काम क्या होता है, फीड करना, फीड मतलब होता है खिलाना पिलाना। तो जो तीसरी वाली महिला होगी, मतलब जो बड़ी वाली का काम नहाना, छोटी वाली का काम खाना बनाना, और उसके बीच में जो दो या तीन रहेगी उसमें से एक का काम क्या होता है कि बच्चे को खिलाना। एज फॉर प्लेइंग, जैसा कि खेलने के लिए, द चिल्ड्रन प्ले आउट ऑफ डोर विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट। जो बच्चे होते हैं प्राकृतिक वस्तु के साथ दरवाजे से बाहर खेलते हैं, मतलब कि कोई जो है मिट्टी का जो है घड़ा बना लिया या कोई मिट्टी का गुड़िया बना लिया, और उसके साथ जो बच्चे जो क्या होते हैं आउटडोर, आउटडोर का मतलब क्या होता है, बाहर, दरवाजे से बाहर जो दलान होता है या फिर जो दरवाजा होता है उस पर बच्चे जो है सारे के सारे बच्चे खेलते हैं, क्या चीज़ से, प्राकृतिक वस्तु से। हियर पीपुल से दैट एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विथ टॉयज। यहाँ के लोग, मतलब जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो ताना देते हुए कहते हैं कि एशिया के जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों के साथ नहीं खेलते। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज। बांग्लादेश में उन्हें खिलौने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दे मेक्स देयर ओन सिंपल थिंग। वे अपनी खुद की जो है सरल चीज़ें, यानी खिलौना बना लेते हैं, मतलब मिट्टी से या फिर जो है लकड़ी का बना हुआ जो होता है पालना, उस तरह का जो चीज़ वो खुद ही बना लेते हैं। एक लकड़ी का जो बल्ला बांस का बना हुआ, उससे भी खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, आप लोग के भी वक्त में ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पे जो है हमें जो खिलौने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग अपने खुद से अपने ज़रूरत अनुसार छोटा मोटा कोई भी चीज़ बनाकर खेलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूप कोठा। यानी रूप कोठा ये जो है बंगाली एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जो फेयरी टेल होता है, जो परी की कहानी होता है। तो एक जो है जो एक बहू जो है खाना खिलाया, एक बहू नहाने के लिए लेके गई पोखर में, एक बहू जो है सो खाना बनाई, और जो दूसरी जो बहू होती है वो क्या करती है, वो जो है सो बच्चे को जो है सारे बच्चे को एक जगह एकत्रित करके दोपहर के अंदर धूप से बचने के लिए उसे जो है परियों की कहानी जो होती है वो सुनाती है। मे बी देर इज़ अ फेवरेट अंट। और शायद वो जो पसंदीदा चाची होगी, मतलब इसी में से कोई एक ऐसी चाची होगी, चार मान ली चार भाई हैं और चार भाई की शादी हो चुका, उसमें से एक कोई ऐसी पसंदीदा बच्चों की जो चाची होगी जो सारे बच्चे को दोपहर में क्या करती है, परियों की जो है कहानी सुनाती है। सी टेल देम दिस स्टोरी। वो उसे इस कहानी को सुनाती है। बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीप। लेकिन रात में जब वो सारे बच्चे नींद आती है, यानी सारे बच्चे को नींद आती है, दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्बेरेस। मतलब कि वो सारे बच्चे जो है क्या है, वो हमेशा अपनी माँ के पास चले जाते हैं। जो जिसका बच्चा होता है वो अपनी माँ के पास चला जाता है और फिर उसके गले में हाथ देकर, इम्ब्रेस करना मतलब कि किसी को गले लगा लेना। तो बच्चे को देखिएगा कि बच्चा जो है माँ के गले में हाथ डालकर जो है सोता है, तो उस तरह फिर अपनी अपनी माँ के पास चला जाता है और उसको जो है
गले में हाथ देकर सोता है। बट अदर वीमेन डू हेल्प अलॉट, लेकिन अन्य महिला और जो घर की दूसरी जो महिला है वो भी जो है बहुत मदद करती है बच्चा के पालन पोषण में। इनफैक्ट दे हैव सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर देम टू बी कॉल्ड हिज बिग मदर एंड स्मॉल मदर। यानी बच्चे को इतना प्यार हो जाता अपने चाचा चाची से कि उसे बड़ी माँ या छोटी अम्मी जो है, छोटी अम्मी, लाल अम्मी या बड़ी माँ जो है कहने में उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे आपको क्या समझाया गया, समझाया ये गया कि जो खुद जो ऑस्ट्रेलियन एक लेखिका है वो जो है अपने जो देश मतलब जो उसका जो वेस्टर्न कल्चर है यानी यूरोप का जो कल्चर है, चाहे वो इंग्लैंड का हो या फिर जो यूक्रेन हो, ये सब जो इलाका है, वो सब इलाका तुर्की हो, ये सब इलाके के अंदर क्या होता है कि आदमी जो है बच्चे को खुद, एक औरत है और वो खुद बच्चे को पेट में रखती है 9 महीना और उसे खुद जो जन्म देती है और सारा चीज़ उसका खिलाना पिलाना, उसका आव भगत करना, उसकी मालिश करना, सारा चीज़ एक औरत करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे को सिर्फ जो औरत होती है, जो माँ होती है, रियल माँ, जो 9 महीना पेट में रखती है और पेट में रखने के बाद फिर उसको जब अपने ज्वाइंट फैमिली के अंदर ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर माँ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बच्चे को, वो सारा का सारा बच्चा क्या होता है कि वो जो है सारे लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है, सारे लोग उसकी जो देखभाल करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि माँ को जो कि 9 महीना तक जो दर्द और दुख सही है उसे जो है रिकवर करने में, उसे जो है सो मतलब कि फिर से जो है तैयार होने में जो है उसे मतलब कि समय मिल जाता है और उसकी जो टेंशन होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है उसमें जो बाय एंड लार्ज जो होता है 3-4 जो है फैमिली में बच्चे, एक माँ को 3-4 बच्चा होता है। लेकिन आप यूरोप के अंदर चले जाएं वहाँ पे आपको जो है सिर्फ एक जो है बच्चा होता है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा देखिए चाइना के अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन जो उसकी है वो क्या हो गई है, बूढ़ी हो चुकी है। उसी तरह आप जाके देख लीजिए जो रसिया है, रूस के अंदर अभी लड़ाई हो रही है उसके अंदर आप देखिएगा कि वहाँ उसको फौज नहीं मिल पा रहा है, उसको जो उसका आर्मी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। यानी वहाँ भी बुढ़ापा है। आप चले जाइए जापान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यहाँ सारे जगह पर आप देखिएगा क्योंकि एक बच्चे का कॉन्सेप्ट है। और इसकी वजह से क्या होता है, दौलत तो बहुत रहती है लेकिन अपने देश की रक्षा करने के लिए उसके पास जो है समय नहीं होता है। लेकिन हमारी भारत के अंदर देखिए, हमारे भारत के अंदर अभी भी जो है माँ मतलब जो अपनी मातृभूमि के ऊपर निछार होने के लिए हजारों करोड़ों जो है लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी सबसे जो है सो ह्यूमन फोर्स, जो जवान ह्यूमन फोर्स है वो है। तो ये सारी चीज़ देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ डीमेरिट होता है और कुछ ना कुछ मेरिट होता है, मतलब कि किसी का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, मतलब यानी कि लूप होल सब में रहता है। लेकिन किसी चीज़ को आप ऐसे ही देख के ऊपर से और कह दें कि ये जो गलत है कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो फिर जो है ये बेहतर नहीं होता है। बेहतर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ पे आप जाएं या किसी पर जो है कमेंट आप करें तो उससे पहले जो है आप क्या करें कि आप उसके इतिहास को पढ़ें, उसकी जो है सो कॉन्सेप्ट को पढ़ें, क्यों ऐसा किया जाता है। फिर उसके बाद जो आप बहुत सारी जानकारी होती है उसके बेस पे जो है आप जो है सही और गलत को जो है नाप सकते हैं। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो हमारी एक किताब आती है रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2 करके। ये किताब जो है इसके अंदर पूरी चैप्टर का, जैसे आप देख रही है रेनबो स्नैपशॉट की ही किताब है, इसके अंदर पूरी चैप्टर की जो हम लोग चैप्टर का पूरा ट्रांसलेशन भी कर देते हैं इसके अंदर। और साथ में यहाँ पे आपको जो प्रोनंसिएशन, जैसे देखिए अमंग द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस एज इन मेनी अदर्स इन दैट The women gets to go home। ये इस तरह से प्रोनंसिएशन भी दिया हुआ है। देखिए बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उसे पढ़ने नहीं आता है, कोई भी इंग्लिश का दे दीजिए किताब पढ़ नहीं पाएगा। 100 में 100 मार्क्स ले लेता है लेकिन फिर भी उसे अगर कोई अगर आर्टिकल उठा के दे दें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ पाता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इसके अंदर जो देखा गया कि पढ़ने नहीं आता है। तो यहाँ पे प्रोनंसिएशन से क्या होता है कि आपको जो है आपकी जबान टूटती है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जो है पढ़ने लगते हैं तो आपको जो प्रोनंसिएशन की मदद से आप जो है उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। दूसरा चीज़ होता है पढ़ने के बाद हम समझ नहीं पाते, तो समझने के लिए लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ये किताब टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप इस किताब को जरूर परचेज करें। ये जो है किताब आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल करके या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक ऐप है कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज, उसकी उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको 10वीं 11वीं 12वीं ये 3 क्लास को हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अगर
टीचर्स हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं या कोचिंग खोलने की सोच रहे हैं, तो हम लोग जो है उन टीचर्स के लिए जो पीडीएफ फाइल है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कोचिंग के नाम से, उनकी कोचिंग के नाम से बना के हम लोग दे देते हैं। तो जो भी जानकारी आपको लेनी हो आप इस नंबर पर 9065829862 पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 8, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज स्पेस सोशल प्रॉब्लम, यानी सभी तकनीकी परिवर्तन सामाजिक जो समस्या है उसका कारण बनता है। द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन, परंपरागत समाज में पश्चिमी चिकित्सा का जो प्रभाव है आधुनिकीकरण के सबसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में से आता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हम लेखिका कहते हैं कि जो वेस्टर्न जो सोसाइटी है उसके अंदर सबसे बड़ा जो मतलब कि साइंस का दुरुपयोग हुआ है या साइंस ने जो समस्या क्रिएट किया है वो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसने किया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हर चीज़ के लिए, देखिए आपकी बॉडी, आप देखिएगा बुखार लगता है तो बुखार, पहले ज़माने में क्या बुखार के लिए टैबलेट खाते थे? पैरासीटामोल नहीं खाते थे। क्या करते थे? बुखार लगा दो तीन रोज चार रोज में बॉडी अपने आप जो है इम्यून बना के फिर उसके बाद जो ठीक हो जाती थी। मतलब देखिए आपके बॉडी के अंदर भी हीलिंग जो है सो एक हील करना, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो है सो उसको उससे निपटना या फिर उस कोई भी बीमारी या समस्या होती है उसे ठीक होने की एक क्षमता होती है। जब दवा आप खाना स्टार्ट करते हैं तो वो क्षमता जो है आपकी धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर आप जो है जब तक दवा नहीं खाएगा आपकी कोई भी छोटी सी दर्द भी होगी वो ख़त्म नहीं होगी। यही लेखिका यहाँ पर कहती है, द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट इज इनॉर्मस, सफ़ेद कोट यानी कि डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं, मतलब यहाँ पे वाइट कोट्स का मतलब हो गया जो डॉक्टर हैं, तो जो सफ़ेद कोट की जो प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है यानी कि डॉक्टर की यहाँ जो है प्रतिष्ठा मतलब उसकी इज्जत बहुत की जाती है। द रिस्पेक्ट ऑफ देयर मेरिक्यूलस हाइपोड्रामिक टोटल, उनकी जो पूर्ण प्रतिष्ठित सिरिंज का जो चमत्कार है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब कि जो मतलब ये कहती है लेखिका मतलब इसके अंदर कि जो सिरिंज है कोई भी चीज़ हो उसमें इंजेक्शन दे देता है और वो इंजेक्शन जो है टेम्प्रोरी जो है आपको ठीक तो कर देता है, आपको जो निजात तो समस्या से दिला देता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके शरीर पे बहुत देर तक रहता है। द प्रेशर ऑफ एक्सेप्शन मेक द एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर टू विदस्टैंड देम, यानी कि डॉक्टर से उम्मीद का दबाव प्रक्रिया को आक्रमणशाली और नाटकीय बना देता है और वो तब जब रोगी का शरीर ये सब सहने के योग्य नहीं होता है। मतलब देखिए आप एकदम मरे हुए इंसान को, अब मरे तब मरे और उस आदमी को ले जाके हॉस्पिटल में आप डाल दिए, मतलब बहुत ही बीमार आदमी को हॉस्पिटल में जाके डाल दिया और फिर उस पर से डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि इसे एकदम पूरा चंगा करके लाए, फिर क्या करता है डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है हाई जो है पावर वाली जो दवा है उसको छोड़ता है और फिर वो मरीज जिसकी सेहत पहले से डाउन थी उस पर ये जो दवा होता है जो उच्च डोज का दवा होता है वो दवा की वजह से क्या हो जाता है उसकी जो शरीर है वो जो है असमर्थ हो जाती है और सहने योग्य नहीं होती है। एलोपैथिक डॉक्टर इन द पेशेंट कम्युनिटी आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एलोपैथिक देखिए दो तीन तरह का डॉक्टर होता है, एक एलोपैथिक होता है जो मेडिकल जो मॉडर्न साइंस है जिसमें चीर फार करते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर होता है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है और एक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, एक यूनानी मेडिसिन होता है। डॉक्टर की कई किस्में होती है लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एलोपैथिक डॉक्टर्स की। जो पिसांट कम्युनिटीज़, पिसांट का मतलब क्या होता है, जो फार्मर होता है जो किसान जो होता है मजदूर तबके वाला जो कम्युनिटी होता है वो जो है डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर जो है किस चीज़ पर रिलाई करते हैं किस चीज़ पर भरोसा करते हैं, एक्सपेंसिव ड्रग्स। देखिए आपको दो तरह का ड्रग्स है, आप एक पैरासीटामोल लेने जाइएगा तो 70 रुपये में आपको देगा एक पत्ता और एक पैरासीटामोल आपको 35 रुपये में देगा। एक जेनेरिक होता है और एक जो होता है आपको जो मतलब कि एक ब्रांडेड होता है। तो ब्रांडेड में क्या होता है कि दवा का दाम प्लस जो ब्रांड एडवर्टीजमेंट और डॉक्टर को जो घूस देते हैं उस सब का दाम इस पर जुड़ा जाता है, इसीलिए आपको वो कितने में देता है 70 रुपये में। और अगर ऐसे अगर जेनेरिक दवा पैरासीटामोल लीजिएगा तो वो 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही दवा है लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, जो एक्सपेंसिव ड्रग्स होते हैं जो एक्सपेंसिव जो बहुत ज़्यादा
और पैसा जिस पे खर्च होता है ड्रग्स पे, उस ड्रग्स को ज़्यादा जो है प्रीफर करते हैं, देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है उसको कमीशन भी मिल जाता है, और जो पेशेंट होता है उसको विश्वास भी हो जाता है कि भाई जब हम 500 की दवा 500 रुपये वाली दवा खाएंगे तो हम ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अगर उसको 5 रुपये की दवा दीजिएगा, वही सेम दवा दीजिएगा, तो उसके अंदर जो विश्वास है उसकी कमी रहती है। तो डॉक्टर ये चीज़ को समझता है और इसकी वजह से क्या करता है, जो जो गरीब तबके की जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, महंगी से महंगी दवा लिखता है, स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स और जो है ऑपरेशन करने वाला जो इक्विपमेंट्स होता है, मतलब औजार होता है, चमचमाते हुए जो औजार है उस पर, मतलब जो भी कुछ हो तुरंत से चीर फाड़ दो। जैसे आपका जैसे एक बच्चा है तो आप नॉर्मल सीजरी से भी कर सकते हैं, बच्चे को की पैदाइश हो सकती है, और एक होता है कि ऑपरेशन से। तो आप देखिएगा जब भी आप जाइएगा मेडिकल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो कभी भी नॉर्मल बच्चा पैदा करने के लिए आपको जो है प्रोत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल बच्चा अगर पैदा होता है तो उसमें 7,000 रुपये में आपको हो जाता है या 10,000 रुपये में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑपरेशन करके हो तो 35 से 40-50 हज़ार रुपये तक में भी जो है आपको लग जाता है। तो इसीलिए जितना भी जो प्राइवेट डॉक्टर होता है वो जो है कहता है कि आप ऑपरेशन से बच्चे को पैदा करें, लेकिन इसका इंपैक्ट ये होता है कि दो बच्चे के बाद आप तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो बॉडी है, वो काम नहीं करती है, जिसकी वजह से। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। दूसरा चीज़ देखिए, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्टर होते हैं इस ग्रामीण इलाकों में, मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशियंट क्वालिटी, जिसमें से अधिकतर चीज़ उसे जो है, ये तीनों चीज़ में से जो चीज़ है वो उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। वेयर फॉरनर एड्स हैज एस्टेब्लिश, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियाँ स्थापित है, यानी छोटा छोटा जो इलाके के अंदर, देखिएगा यूनिसेफ हो गया, WHO, तो इस तरह की जो विकास एजेंसियाँ अगर स्थापित है, दैट टेम्पल ऑफ अवर रिलीजन द हॉस्पिटल, वो धर्म का मंदिर जिसे अस्पताल कहते हैं, इट्स मस्ट मैक अ रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर विथ हॉरिबल रिजल्ट, यह अपनी क्षमता के अनुसार अनिवार्य रूप से रिवाजों के साथ खतरनाक परिणाम ले लिया है। शेहिल केटजिंगर विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल ऑफ बैंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, एंड दैट इज वट सी सॉ। एक शैली शीला किटजिंगर नाम की एक लेडीज़ है, वो जो है एक हॉस्पिटल में विजिट करती हैं साउथ अफ्रीका की, जिस जहाँ पे बैंटू समुदाय के जो लोग हैं, मतलब वो जो गरीब तबका का एक समुदाय है बंटू, उस समुदाय के लोग वहाँ पे आते थे, और उसने क्या देखा ये चीज़ यहाँ पे बताया जाए। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग, ग्रोनिंग का मतलब होता है आहो पुकार, चिल्लाहट, कहरना जो होता है उसको कहते हैं। तो डिलीवरी वार्ड दर्द भरे शोर से भरा हुआ था, वेलिंग वीमेन ऑफ द मेजोरिटी लेबर अलोन, और चक्कर काटती महिलाएं, उसमें से अधिकतर बच्चा पैदा होने से पहले का जो दर्द है उसको अकेला झेल रही थी। ऑक्सीटिन ड्रिप्स और एंड पंप वेयर इन वाइड स्प्रेड यूज़, ये जो ऑक्सीटोनसिन नाम की एक दवा है जो दर्द को, जब बच्चा का जो फाइनल दर्द होता है उस दर्द को कम कर देती है, तो वो उसका ड्रॉप या फिर उसका जो पंप होता है, जो सुंग मतलब आदमी जो है मुंह में रख के पंपिंग करता है, वो बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीकन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, यह एक जगह थी, यानी लेखिका कहती है कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पुराने अफ्रीकियों और पश्चिम की नई तकनीकियों का संगम, यानी मिलाप की जगह था। पूल्स ऑफ द ब्लड ले ऑन द फ्लोर लाइक अ सेक्रीफिशियल आउटपुरिंग, यानी कि वो जो ये था जो वार्ड था उसमें बलि चढ़ाने यानी कुर्बानी देने, जैसे बलि चढ़ाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा खून बहुत सारा फैला हुआ रहता है, तो बलि चढ़ाने यानी कुर्बानी देने की तरह जो है फर्श पे बहता खून का दरिया। And Bantu nurse were happy to leave them there as a witness of blessing the earth. और Bantu nurse जो है गवाह के रूप में उसे पृथ्वी के आशीर्वाद पे वहाँ छोड़ कर खुश थी। मतलब ये था कि जो जो नर्स थी वो देख रही थी कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उसका ऑपरेशन हो रहा था, और ऑपरेशन की वजह से क्या हो रहा था कि उसके बदन से खून गिर रहा है, और उसे जो है कोई बेड पे नहीं, उसे जो ज़मीन पे रख दिया गया था, और साथ में जो नर्स थी वो जो गर्भवती महिला थी उसको कम, और जो मशीन, क्योंकि वो नया था उसके लिए तो उसको चलाने नहीं आता था, तो वो मशीन पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, और वो जो
ये क्या कहते हैं, जो गर्भवती महिला थी जिसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उस पर ध्यान नहीं दे रही थी और उसकी खून जो है बहकर जो है पूरे फर्श पे, जैसे लग रहा था कि कहीं पर बलि चढ़ाया गया हो इस जगह पे, उस तरह का नज़ारा था। वाइल दे बिजी देम सेल, जबकि वो खुद को उलझाए रखी थी विद द टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट, तकनीकी रूप से परिकृष्ट आधुनिक उपकरणों के साथ, यानी नर्स ने खुद को एक नई तकनीक की जो मशीन है उससे उलझाए रखी थी और गर्भवती महिला को खून से लथपथ दर्द के मारे चिल्ला रही थी वहाँ पे। एंड इग्नोर द लेबरिंग वुमेन एज फार एज पॉसिबल, और जहाँ तक संभव हो वो प्रसव पीड़ा झेल रही महिलाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए, मतलब वहाँ पे जो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू सो एज दे डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज एनी वे, जो करना इतना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि वैसे भी वो रोगी, यानी कि जो बेंटू समुदाय के रोगी है, वो सामान्य भाषा नहीं बोलती थी। ये जो हुआ था वो जैसे यूनिसेफ या WHO का जो होता है क्लिनिक, उसके अंदर ऐसा हो रहा था। उसका रीज़न था कि देखिए WHO के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या यूनिसेफ के डॉक्टर होते हैं, बाय एंड लार्ज जो गरीब तबके के होते हैं उसको बाहर से मंगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप WHO में जाएगा तो मोस्ट ऑफ द केस में जो इंडिया के अंदर होता है वो या तो आपको कर्नाटका का होगा या फिर जो है केरला का होगा या फिर दूसरे इलाके का होगा, जिसको यहाँ की जो भाषा है, जैसे हमारी भाषा मैथिली है, उसको मैथिली बोलने तो नहीं आता है, तो फिर वो जो है क्या होता है उसको समझ ही में नहीं आता बात करना। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है महिलाओं पे, जो गर्भवती महिला उस पे कम ध्यान देती है और जो है जो मशीन होता है उस पे ज़्यादा ध्यान देता है। बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हियर, जन्म की जो प्रक्रिया यहाँ सामान्य से कोसों दूर थी। एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच अ वे, और यह इस तरह से आयोजित किया गया था, इस तरह से किया गया था, आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल, मैंने इससे पहले जो है अमरीकी अस्पताल में भी देखी थी। कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट फ्रॉम लार्ज अर्बन गिटोज, बड़े बड़े शहर के छोटे छोटे इलाके से आए काले लोगों को सुविधा प्रदान करने वाली जो क्लिनिक थी, मतलब लेखिका कहती कि इस तरह की जो है एक और हॉस्पिटल था जो कि अमरीका के अंदर, जो दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, उसके अंदर भी इस तरह की हालत थी। और वहाँ पर क्या हो रहा था, जो गरीब तबके के लोग थे काले, जो कि गाँव घर से आते थे बड़े शहर के अंदर, उसके साथ इसी तरह का जो रवैया अपनाया जाता था। इम्पर्सनेट कॉन्वेयर बेल्ट ऑब्स्ट्रिक अकम्पनीड बाय द पैथोरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशन एंड मशीनरी, जिसमें तकनीकी नवचार और मशीन के साथ जो है प्रस्तुति कन्वेयर बेल्ट भी शामिल था। तो इस तरह से आपका जो है पैराग्राफ 4 का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है कल हम लोग फिर जो है एक और वीडियो लाएंगे जिसमें पाँचवा और आखिरी पार्ट होगा। ये पार्ट इसलिए हम लोग छोटा छोटा करके पढ़ाते हैं क्योंकि आपके दिमाग पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आसानी से आप इसे जो पढ़ के आप आसानी से समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस।